नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीधी से बड़ी खबर है जहां सीएम के काफिले में बड़ा हादसा टल गया। एसपी की गाड़ी ने मंत्री की कार को टक्कर मार दी। मंत्री राम खिलावन पटेल की कार को टक्कर लगी है और ये भी खबर सामने आ रही है कि राम खिलावन पटेल की कार ने रीवा आईजी की गाड़ी को टक्कर मार दी। सीएम शिवराज, मंत्री और अफसर सभी सुरक्षित हैं। सीएम समेत सभी लोग पीड़ितों से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान ये छोटा सा हादसा हो गया। कनिष्क हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कनिष्क, क्या हुआ, क्या था? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो काफिला है चौराहट से लेकर पचोखर के बीच का ये हादसा है। जब लंबा काफिला था उस दौरान जो है ब्रेकिंग हुई और ब्रेकिंग में एसपी सीधी पंकज कुमावत की गाड़ी ने राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल की गाड़ी को ठोक दिया और राम खिलावन पटेल जो राज्य मंत्री हैं उनकी गाड़ी ने रीवा आईजी को, मतलब रीवा संभाग आईजी की गाड़ी पे पीछे टक्कर मार दी। तो हालांकि इसमें जो है सबसे ज्यादा नुकसान राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल की गाड़ी पर हुआ है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के भी चोट आने की, सभी सकुशल बचे हुए हैं, किंतु राम खिलावन पटेल की गाड़ी के पिछले हिस्से में काफी बड़ा डेंट आया है। जी, तो यानी कह सकते हैं कि अचानक ब्रेक लगा और इस वजह से ये गाड़ियां आपस में टकरा गई, लेकिन किसी को चोट वगैरह नहीं लगी है। जी, काफी बड़ा हादसा होने से बच गया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का काफिला काफी लंबा था जिसमें पूरा जिले का अमला, पार्टी के वरिष्ठ जो नेता थे, राज्य मंत्री की गाड़ी, काफी लंबा काफिला था। आप काफिले को भी देखा होगा आपने। चलिए ठीक है, उसी दौरान ये सारी घटना। अच्छा कनिष्क, चलिए ठीक है, ये तो छोटा सा हादसा था और बड़ा हादसा होने से टल गया, अच्छी बात रही। और ये भी खबर सामने आ रही है कि पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, तो वो मुलाकात अभी हो गई है, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी, आपको बता दूं, अब सीधे सीएम जो है हवाई पट्टी सीधी आ रहे हैं और वो जो है मीडिया को संबोधित करें, मीडिया से बात करेंगे और घटना से संबंधित चर्चाएं करेंगे और उसके बाद फिर वहां सीधी हवाई पट्टी से भोपाल के लिए रवाना होंगे। अच्छा ठीक है, शुक्रिया कनिष्क आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।